हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिएक्शन इंडिया। टुडे विथ अस तंजा एंड वी आर गोइंग टू रिएक्ट अनदर वीडियो ऑफ रिएक्शन इंडिया। तो काफी टाइम के बाद, काफी टाइम नहीं, हाँ मतलब कुछ समय के बाद हम दोनों एक बार फिर से एक नया रिएक्शन लेके आए हैं। और रिएक्शन होने वाला है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जस्ट बिकॉज ऑफ हम क्यों कह रहे हैं इतना ज्यादा प्राउडली, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है आज की, वो बहुत एक कह सकते हैं प्राउड मोमेंट है। और कम ही प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं जो ऐसे चीज करते हैं। तो कुछ और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका काम ही ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ हमेशा नया यूनिक और सा। कुछ ना कुछ डिफरेंट और कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। तो उसी में से एक नई वीडियो आई है। उस वीडियो का टाइटल पहले आपको बता देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेक अ सॉर्टी ऑन तेजस एयरक्राफ्ट इन बेंगलुरु कर्नाटका। बिल्कुल, मतलब वो कर्नाटक गए हुए थे, मे भी उनका कोई दौरा होगा वहां, इस वजह से गए थे। तो इस बीच उन्होंने तेजस जो हमारा एयरक्राफ्ट है उस पे उड़ान भरी है। और ये जब फोटो निकली, वीडियोस निकली, तो मतलब कहते हैं ना एकदम से छा जैसा गया और बहुत हाँ यूनिक लगा। होता है ना जब हम इंडियन आर्मी से रिलेटेड, अपनी देश की सुरक्षा से रिलेटेड कुछ चीजें देखते, तो एक नजरिया इंसान का वहां चले ही जाता है और इंसान 1 मिनट के लिए रुक के देखता ही देखता है। तो मुझे वो काफी वीडियो थी, हाँ। वो वीडियो थी। लेकिन मेरे को पीएम मोदी का वो जो होता है ना, जब एयरक्राफ्ट से नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद वो लोग एक वो लेते हैं ना, वॉक लेते हैं, वो जो वॉक होती है ना ड्रेस के साथ प्रॉपर, वो बड़ा मतलब जम अलग रहे थे, लगता तो है। बिल्कुल वो अच्छा लग रहा पहली था। बात तो ये, और दूसरी बात उन्होंने उसके बाद अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। वो हम आपको अपना वीडियो देखने के बाद एक्सपीरियंस जो होगा उसके साथ हम आपको बताएंगे। हम सबसे पहले करते वीडियो स्टार्ट, उसके बाद देते अपना यस रिएक्शन। ये जो थम्स अप है, ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा दिया गया हम सभी को कि नहीं भाई, हमने टेस्ट ड्राइव कर लिया, इज इट ओके। हाँ बिल्कुल, इसमें वैसे कोई वॉइस ओवर नहीं था, लेकिन लगभग इन्होंने 45 मिनट एयरक्राफ्ट में थे, ये 45 मिनट थे का और उसके सफर विजुअल्स काफी इन्होंने, अच्छे लगे। और साथ में इन्होंने कुछ समय के लिए ना जो कंट्रोल सारे होता है कंट्रोल हाँ वो भी इन्हीं अपने मतलब हाथ में ले लिए थे इन्होंने, मतलब खुद ऑपरेट कर मोदी रहे के थे वो। द्वारा जो ऑपरेट किया गया, ये काफी अच्छी बात है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री थे, उसमें उन्होंने भी सन क्या 2019 में जो है, उन्होंने भी बेंगलुरु से एक बार उन्होंने भी ऐसी ही उड़ान भरी थी। तो आज दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो है ये चीज 2023 में किया है। तो काफी आजकल हमारे भी पॉलिटिशियंस लोगों को लग रहा है थोड़ा मजा आ रहा है इन सब चीजों में करना भी। भी चाहिए, क्योंकि ना इंटरेस्टिंग हो, अगर ये लोग जाके खुद से करेंगे तो आम पब्लिक भी आर्मी ना, का हौसला और अफजाई होता है हौसला और अफजाई ये तो बहुत होगा अच्छी ही, बात है। साथ में लोगों का भरोसा भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। विदाउट वॉइस ओवर हमने देखा था वीडियो, लेकिन जो साहस साहस सॉरी साहस हाँ नो साहस, प्रॉब्लम, जो साहस के साथ मतलब वो उन्होंने इसमें अपना सफर किया, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ, पब्लिक के साथ, वो थोड़ा यूनिक था। और उनका भरोसा कहते हैं स्वदेशी जो उपकरण है उन पे और भी ज्यादा ये सफर करने के बाद हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे लोगों को लग रहा हो कि नॉर्मल प्लेन जैसा होता है, तो नॉर्मल प्लेन ना जैसा बिल्कुल नहीं होता है भाई। इसमें क्या होता है, आपकी स्पीड 2000 किलोमीटर की रेंज होती है
और स्पीड बहुत तेज होती है। साथ में क्या होता है, इसमें आप मास्क लगाते हो और इसमें लो ग्रेविटी जब फील होता है ना चीजें, क्योंकि इसकी जो एंगल होता है 360 पे टर्न करता है ये, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें मतलब बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। साथ में अगर इसमें आपके मतलब समझ सकते हैं आपका जो कॉकपिट है, उसमें कॉकपिट है, उसमें अगर कोई बैठा हुआ है तो कॉकपिट ही कहते हैं शायद, आई थॉट, अगर उसमें कोई आपके साथ बैठा हुआ है और उसको लेके जाना हो भी फर्स्ट टाइम पे, तो काफ़ी बड़ा वो रिस्क होता है। और साथ में इस चीज़ को करना भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो हम सामने डाल देंगे। उन्होंने लिखा है, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। उन्होंने साथ में उन्होंने भारतीय वायुसेना को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे रखी है। तो भाई अच्छी बात है ये तो। ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन भाई मजा आया विजुअल देख के, कुल मिला के मेरे को वीडियो बड़ी अच्छी लगी सच बताऊं तो। अगर रील्स में मैंने ये वीडियो देखी रील्स में, तब उसके बाद मैं आया वीडियो, रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा वायरल हो। मैंने कहा, मैंने ऐसे मतलब ऐसी रील में मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर जो है एयरक्राफ्ट में, या मतलब कहा फाइटर प्लेन में। फिर मैंने उस वीडियो को क्लिक किया, मैंने कहा अच्छा आज आज ही जो है उन्होंने शायद गुरुवार के दिन ये जो है उन्होंने उड़ान भरी है बेंगलुरु से। फिर मैंने कहा इसका तो पूरा वीडियो ऊपर रिएक्शन बनता है, फिर हमने इसके ऊपर रिएक्शन बनाया। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या राय है इसको लेकर, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो आपको वीडियो और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का एफर्ट सही लगा हो कि उनको यहाँ जाना चाहिए था और देश के जो सेना के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए था, नहीं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।